नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारी सुनो न्यूज चैनल। 75वां स्वतंत्रता दिवस पर भगत सिंह युवा सेना के द्वारा बेगम बाजार छतरी पर आयोजित विशाल जनसभा का किया गया आयोजन एवं तिरंगा रैली भी निकाली गई। देखिए आगे की रिपोर्ट। कट्टरता के आगे घुटने टेकते हैं तो आजादी बहुत दिनों तक बची नहीं रहती है। आज उनकी बहु बेटियों के साथ जो हो रहा है, आज से 1400 साल पहले, 600 साल पहले, 700 साल पहले, 500 साल पहले भारत में भी यही करने की कोशिश की गई थी और वो विचारधारा बदली नहीं है। लेकिन हमें सजग रहना जरूरी है। स्वाधीनता के उत्सव को मनाते हुए यह याद रखना जरूरी है कि स्वाधीनता को बना के रखना यह हर हिंदुस्तानी का, हर भारतीय का धर्म बनता है और उसके लिए जागरूक रहना होगा, प्रखर रहना होगा, अलर्ट रहना होगा, पहचानना होगा अपने अंदर छिपे हुए मीर जाफरों को और उनको लात मार के बाहर करना होगा अपने समाज से। आज को सुन भी रही होंगी तो दोनों हाथ उठाकर एक बार जोर से मां भारती का जयकार करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार आप सभी को, स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस युवा प्रखर तेजस्वी राष्ट्रभक्त लड्डू यादव का और उनकी पूरी भगत सिंह युवा सेना का, जिन्होंने पिछले 8 सालों से लगातार 15 अगस्त के दिन ये तिरंगा रैली का आयोजन कर रहे हैं। और कितनी बार तो इनके आयोजन में मना करने की बात की गई, रोक लगाने की बात की गई, बैन करने की बात की गई, अनुमति नहीं देने की बात की गई, तो इन्होंने कहा कोई तलवार लेके थोड़ी निकल रहे हैं, तिरंगा लेके निकल रहे हैं, देखते हैं कौन रोक सकता है, तिरंगा तो निकलेगा। नमन करता हूं लड्डू यादव जी के पिताजी जो मंच पर उपस्थित हैं, भगवती दीदी जो उन्होंने अभी अभी हम सबको संबोधित किया, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्यगण और यहां आए मां भारती के सभी आराधक, मां भारती की पूजा करने वाले सभी लोग, आप सबको बहुत बहुत नमन। आज का दिन केवल अपने स्वाधीनता को, उसके उत्सव को मनाने का दिन नहीं है। आज का दिन केवल शहीदों को याद करने मात्र का भी दिन नहीं है। आज का दिन संकल्प लेने का दिन है। आज का दिन अपने सबक को याद करने का दिन है। आज सुबह ही मैं एक कविता पढ़ रहा था, उसमें यह था कि ये आजादी कहने की बात हो सकती है कि आजादी केवल किसी आंदोलन से या केवल किसी अहिंसात्मक तरीके से आई होगी, लेकिन सत्य यह है कि 1757 में जब सिराजुद्दौला पलासी का युद्ध लड़ने के लिए उतरा था, तब से लेकर 1947 तक न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान के बाद हमको यह स्वतंत्रता मिली है। सिराजुद्दौला की बात मैं क्यों कर रहा हूं आज, क्योंकि जब सिराजुद्दौला की लड़ाई अंग्रेजों से हो रही थी तो आपको पता है सिराजुद्दौला के पास कितने सैनिक थे? 18,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 18,000। और अंग्रेजों के पास कितने सैनिक थे? 300। कितने सैनिक थे? ये बात, ये सबक, ये हमें आज जानना भी जरूरी है।